सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब भाई? आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये है लाल कुआं, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। देख सकते हैं ये लाल कुआं है और यहां पर आए दिन जाम लगा रहता है, क्योंकि जो आनंद विहार से बसेस आते हैं तो वो यहीं से होकर निकलते हैं, पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में जाती हैं दोस्तों। तो आज मैं इसी का आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ कि यहाँ से एक यह हाईवे बनाया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हैं दोनों साइडों में जितने भी पेड़ थे वो भी सारे में ही काट दिए जा चुके हैं। देख लो, ये सारे पेड़ काट दिए जा चुके हैं। अब इस 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है दोस्तों। इसी का काम दिखाने वाला हूँ। पहले ये NH91 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर NH34 कर दिया जा चुका है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर दिन रात जाम लगा रहता है। देखो ये जितने भी पेड़ थे ना, ये सारे हटा दिए जा चुके हैं। जितने भी ये रेडी ठेली वाले हैं इनको भी अभी साइड किया जाएगा, क्योंकि काम इधर नहीं चल रहा है लाल कुएं पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दादरी के लिए तो आप सभी को काम देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए, और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा व्यू। तो बने रहो, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहो। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि जो भी मैं अपडेट दूँ आप सभी को, वो आप लोग को के पास पहुँच सके, और फिर आप लोग उस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, आगे के लिए भेज दें, ताकि हमारे इंडिया में जो चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वो आप लोग देख सकें दोस्तों। क्योंकि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। छपरौला आ गए हैं, और छपरौला में अभी कोई काम नहीं चल रहा है। और छपरौला क्रॉस करने के बाद में आप सभी को इस रोड का काम देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के। तो बने रहिए आप लोग, फिर आप लोगों को पूरा व्यू देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, जो कि NH34 को किस तरीके से रिप्लेस किया जा रहा है, और 4 लेन से 6 लेन में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देखो ये सारे पेड़ काटे जा रहे हैं इधर के, देखो वो काट दिए हैं, इधर भी पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि रोड को चौड़ा करने का काम ही अभी किया जा रहा है। Thank you.
देखो इतना रोड चौड़ा कर दिया है। ये देखो ये ट्रक खड़े हुए हैं, ये चौड़ा हो चुका है, लेकिन इस पर अभी फाइनल लेयर का काम नहीं हुआ है। अभी तो इधर जाली भी लगाई जाएंगी और आगे देखने के लिए मिलेगा आपको अच्छी तरीके से काम जो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इसे हटा कर भी इसका पुराना ब्लैक टॉप हटा के और नया ब्लैक टॉप कर दिया है। देखो ये डाइवर्ट कर दिया है ना, देखो काम चल रहा है और आप सभी को देखने के लिए मिलेगा काम के किस तरीके से यहाँ पर काम को किया जा रहा है। दोस्तों देख लो ये मतलब कि बिल्कुल तो ताड़ के, और देखो ये हटा दिया। हटाने के बाद में अभी तो इस पर लेवल किया जाएगा, इस पर कंक्रीट की लेयर डाली जाएगी, डीबीएम की लेयर। देखो इधर तो ये एक लेयर बना दी है, दूसरी लेयर पर काम चल रहा है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। और दादरी तक आप सभी को ऐसे ही काम देखने के लिए मिलेगा। और दादरी के बाद तो आपको बता दूं कि फाइनल स्टेज पे ही काम पहुंच चुका है। ठीक है, देखो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है काम। इधर जो पुराना ब्लैक टॉप था वो भी हटा दिया है और नया ब्लैक टॉप इस पर चढ़ा दिया। बस लैंड मार्किंग का काम बचा हुआ है, इस पर लैंड मार्किंग होते ही ये बिल्कुल नया हाईवे बन जाएगा। दोस्तों देखो बनाया नहीं बनाया, इधर देखो ये इस लेयर को ऐड किया गया है, इस वाली को ये जो जा रहा है।
करके ये रेड चौड़ी करने का काम कर रहा है। इधर की साइड में ये देख सकते हैं जो कि बरसात का पानी इधर भरा हुआ है। पूरे रोड को ही कन्वर्ट किया जा रहा है और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फ्लाई ओवर है उसको भी बनाया जा रहा है कि वो भी बनाया जाएगा। ये बना रहे नहीं बना रहे देखो किस तरीके से लाइन ऐड किए हैं, आप लोग देख सकते हो तस्वीरें। और जो ये फ्लाईओवर पड़ा हुआ है इस पर भी काम किया जा रहा है। इधर इधर इधर, हाँ देखो ये काम किया जा रहा है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है। ये देखो आसवर्क का काम किया जा रहा है इस साइड में और इसको बनाया जाएगा। लाल कुएं से और दादरी के बीच में आप सभी ने देखा इस वीडियो में कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस टाइम पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं।